अब अगर आपका पीसीू टी डिटेक्ट हो चुका है तो उसका रीजन फाइंड आउट करने की वजह से डोंट बीट योर सेल्फ क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपको क्या जीन्स मिले हैं से लेकर आज सुबह आपने कौन सी रील पे स्क्रॉल किया एवरी थिंग अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द ट्रूथ इज कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हर चीज का आंसर साइंस के पास भी नहीं है पर मैं हर रोज पी सी ओडी पेशेंट से मिलती हूँ और हर रोज ऐसे फीमेल से मिलती हूँ जिनके हॉर्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस है उन सब में जो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नंबर वन अ कॉमन अपब्रिंगिंग यूजअली पी सी ओडी पेशेंट्स की सेम स्टोरी होती है सिक्स सेवेंथ तक बहुत मजे में रहते थे अच्छा खासा खेलते थे जैसे जैसे स्टडी का प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे बैठने का टाइम ज़्यादा बढ़ गया और खेलने का टाइम कम हो गया उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो ये है कि आपका लीन मास और मसल मास ड्रॉप होने लगता है और आपका फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है और उसी के साथ साथ स्टार्ट होता है हुआ इन द कॉमेंट्स सेकेंड कॉमन चीज जो मैं अपने सारे डी पेशेंट में देखती हूँ वो है इनरेगुलर ईटिंग पैटर्न स्टडी प्रेशर कह लो या वर्क प्रेशर कह लो लेकिन इन दोनों की ही वजह से हमारे खाने पीने का टाइम रेगुलर नहीं रहता जब आपको भूख लग रही है तब आप सोचते हो कि अभी थोड़ी देर में खा लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आप का मेटाबोलिज्म खराब हो जाता है और वहां से शुरू होता है पीसीओडी का एक कॉमन प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरा दिन एनर्जी लो रहना रात में सो नहीं पाना पूरा दिन नींद आना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करना और मीठा खाने के बाद और मीठा खाने का मन करना इंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और थर्ड कॉमन पैटर्न जो मैं अपने सारे पीसीओडी पेशेंट में देखती हूँ वो है इरेग्युलर स्लीपिंग पैटर्न अब वो एग्जाम प्रेशर हो या वर्क डेडलाइन अगर आप सनसेट से बहुत ज्यादा देर तक नहीं सो रहे हो तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है जिसकी वजह से जो कार मेटाबॉलिज्म मैंने बताया वो भी इम्पेयर होता है और आपका मसल मास भी रिड्यूस होता है उसके अलावा हमारे सारे ही ऑर्गन्स सन के हिसाब से ही चलते हैं तो अगर आप सनसेट से छह घंटे सात घंटे तक भी नहीं सोए हैं दैट मीन्स आपको हार्मोनल इंबेलेंसेस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड द सेम प्रॉब्लम विल हैपन टू यू इवन इफ आप सिर्फ मस्ती के लिए जागे हुए हो सिर्फ टी वी देखने के लिए जागे हुए हो हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता आप अगर रात में बारह एक दो बजे सो रहे हो तो इट डजेंट मैटर आपको कितने मजे आ रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो स्ट्रेस ही रहने वाला है नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलिटी अराउंड पी सी ओ डी ये इट इज ट्रू कि अगर आपका पी सी ओडी कंटिन्यू होता है तो आपकी फर्टिलिटी और आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है हाउ एवर जिन ट्वेंटी समथिंग लड़कियों को ये बोल के डराया जाता है कि आप जल्दी से बच्चा पैदा कर लो और उनके पास एक बॉयफ्रेंड तक भी नहीं है अभी हाउ एवर प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी

आपकी प्लेट का खाने से ना ही सिर्फ आपका मसल मेंटेन होगा बट ऑल्सो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड बिकम रॉ मटीरियल फॉर लॉट ऑफ आवर हॉर्मोन्स प्लस ये चीज तो हमने क्लास फर्स्ट में ही पढ़ ली थी प्रोटीन फॉर बॉडी रिपेयर और अगर आपके हॉर्मोन्स में कोई भी इशू है योर बॉडी विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिपेयर यस देर आर फॉर्मुलाज ऑल्सो टू कैलकुलेट योर प्रोटीन इन टेक बट वो कैलकुलेशन वो प्लस माइनस और हर रोज गिन गिन के खाना आप कब तक कर पाओगेस्ट वे टू मेक शोर दट यूर है

थोड़े टफ़ होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ अडल्ट तो आपको ये लगेगा कि हम रोटी नहीं खा सकते मेट्रॉनी नहीं खा सकते वर्मसेली नहीं खा सकते दूध नहीं पी सकते दही नहीं खा सकते हाउ एवर इफ़ यू फोकस ऑन वेराइटी तो आप ये समझ पाओगे कि बहुत सारे और ग्रेन्स हैं जो आपको खाने चाहिए बट आप नहीं खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल बाजरा रागी ज्वार एंड ऑल ऑफ दीज ग्रेन लिस्टेड ओवर हियर। जब आप अपनी डाइट में वैरायटी लाने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्लूटेन और डेरी भी कम हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपके गट बैक्टीरिया को बहुत सारा वराइटी मिलेगा जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में बहुत सारे वाइटमिन बना पाएंगे जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू टू फिक्स योर पीसीओडी फ्रॉम द रूट मेरे पास जब कोई पीसीओडी पेशेंट आती है तो मेजरली उनको ये बोला गया होता है कि आपको सिर्फ वॉक करना है है या आपको सिर्फ डांस क्लास अटेंड करना है हाउ एवर नीदर ऑफ देम आर एन एफिशियंट वर्क इस वीडियो की शुरुआत से मैं बात कर रही हूँ लीन मास की और लीन मास इंक्रीज करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा आई एम नॉट कि आप वॉक और डांस क्लास मत करो हाउ एवर दीज आर नॉट एफिशियंट इनफ इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू देन यू नीड टू कम्बाइन द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू

आप बाकी लड़कियों के कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम वेन यू कीप डूइंग वेट ट्रेनिंग एंड वेन यू कीप वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम भी हो जाएगा बट आपकी स्ट्रेंथ हाई की हाई ही रह जाएगी सो इन अ वे दिस हाई टेस्टोस्टेरोन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन फैक्ट फूड वर्कआउट और हेल्दी हैबिट्स के कॉम्बिनेशन से आप कैसे अपने पीसीओडी को फिक्स कर सकते हो और अपने पीरियड्स को कम्प्लीटली पेनलेस बना सकते हो उसके लिए मैंने एक ट्वेंटी वन डे पेन फ्री पीरियड प्रोग्राम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है उसमें रजिस्टर करने से आपको अगले 21 दिन तक हर रोज मेरी तरफ से एक हैबिट ईमेल आएगा जो आपको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक रेसिपी गाइड मिलेगा जो आप अपने घर पे इजीली बना सकते हो विच इज गोइंग टू नरिश योर बॉडी एंड एट द सेम टाइम हेल्प यू फिक्स योर पीसीओडी और इसके अलावा देर आर अदर बोनसेज ऑल्सो विच आई हैव मार्क्ड हियर सो आई वुड एनकरेज यू टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट दैट लिंक द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू टू टू फिक्स योर पीसीओडी इज गेट इन सिंक विद द सन एज सुन एज पॉसिबल हमारी बॉडी अभी भी अर्ली मैन की तरह ही काम करती है और अर्ली मैन के लिए सनराइज हो गया मतलब काम का समय शुरू हो गया इसीलिए हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग ऐसे ही है कि जब सिक्स टू सेवन ए एम के बीच में सनराइज होता है तब हमारे सारे एक्टिविटी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया अगर आपने इस समय पर सनराइज को फील नहीं किया नहीं देखा तो आपको पूरे दिन स्लगिश फील होता रहेगा सिमिलरली सनसेट होते ही हमारी बॉडी रिपेयर हॉर्मोन्स रिलीज करती है इनफैक्ट इसीलिए देखना बहुत बहुत लोगों के लिए बहुत relaxing experience भी होता है. तो अगर हो सके, तो आप सनराइज और सनसेट जरूर देखिए जिससे आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर भी हो सके और आपको दिन में एनर्जेटिक भी फील हो फोर्थ थिंग एंड गेट पेनलेस पीरियंस इज टू गेट इन सिंक विद मीन बाई दिस हमारी चार हफ्ते की नेचुरल साइकिल होती है उसमें हर हफ्ते एक स्पेसिफिक हार्मोन एक्टिव होता है जिसकी वजह से हमें कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं हर हफ्ते हाउ एवर क्योंकि हम हर रोज सेम तरीके का काम करते रहते हैं हर रोज सेम तरीके का वर्कआउट करते रहते हैं उसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल हॉर्मोन्स गेट इम्बेलेंस्ड अगर आप रीडिंग का शौक रखते हो तो आई वुड वु हाईकमेंड दैट यू रीड दिस बुक कॉल्ड इन द फ्लो बाय बाई बिकॉज इस बुक में बहुत ही डिटेल में ये बताया गया है कि हर मेंस्ट्रुअल फेज में आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने लाइफ स्टाइल को एनहेंस कर सकते हो हाउ एवर अगर आप चाहते हो कि मैं इन फेज स्पेसिफिक टिप्स के बारे में बात करूँ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट देन लेट मी नो इन द दॉमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक ऑन आई होप दिस वीडियो विलो यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड होप on how to fix your pcod and get painless periods make sure that you check out the link to 21 day pain free period program in the description box and if you have any specific questions then write to me on my instagram page because i'm active there every day and here i will see you next week with another video on female health bye